भारत नेपाल सीमा पर जो कल फायरिंग की घटना घटी उसके बाद नेपाल पुलिस ने एक भारतीय को बंधक बनाकर भी अपने कब्जे में तकरीबन 20 घंटे तक रखा और उसके बाद जब डिप्लोमेटिक तरीके से भारत नेपाल के बीच बातचीत हुई और दबाव बनाया गया तब आज सुबह तकरीबन 4 बजे बंधक को छोड़ा गया। इस वक्त हम लगन राय के घर पर मौजूद हैं, जानकी नगर गांव में उनका घर है और ये गांव जो है बिल्कुल सटा हुआ है भारत नेपाल सीमा पर। और इन्हीं को कल जो घटना घट रही थी, फायरिंग की घटना हुई थी जिसमें एक युवक की मौत हुई, 2 लोग घायल हुए थे, उसके बाद नेपाल पुलिस आई और फिर इनको बंधक बनाया और फिर अपने सीमा में अंदर ले गए। लगन राय से बात करते हैं कि क्या घटना हुई, कैसे हुई, जरा विस्तार में बताएंगे। लगन जी ये बताइए कल जो ये घटना हुआ कैसे हुआ, पहले बताइए आप वहाँ कैसे पहुँचे? जैसे हम पहुँचले, जैसे हमार संबंधी है कर कुटुम है, पुतोहुआ के माँ है, वो सब आलि भेंट करे, वही संबंधी से हम गली समझी से भेंट करे, समझी से भेंट करे गली तो वही बन गली तो वही भेंट उठ कैली, अफसर के कहली सर काला मार दिली हमें बचवा के, तो कहे साला ने तेने भेंट नहीं करने देगा या हवा से, तो हमको भी मारने पीटने लगा, हम कहो सर ना मारू पीटू, तौले में अफसर से बुला के 7-8-10 गो अफसर के लेके हवाई फायरिंग करे लागल, चेहटे उठे लागल, मार पीट करे लागल, इंडिया में आके घुस के हमरा बंदूक के कुना से मार के घिसेट उटेट के मार पीट के ले गेली, पैसा न देली तेई के चकारन, आ पहलवार के भी हमरा 2-3 अथी मारलक बंदूक के कुना से एक सेंटे गेली, तो वहाँ से जब ले गेल हमरा घिसिया उसिया के कैंप में सग्रामपुर, वही कैंप में 77 में 200 पुलिस में बैठ के हमरा बैठा के में खड़ा करके बोल रहा है से कहो से हमको नेपाल से पकड़ कर ले गया है, से 40 आदमी था, 150 आदमी आया था, से कहो से हमको नेपाल से पकड़ कर लाया, हम कहे सर हमको मार दीजिए चाहे छोड़ दीजिए, हम कहेंगे हमको इंडिया से लेकर के हमको घींच करके मार पीट करके लाया, जब हम नहीं कह रहे तो और पीट रहा था, नहीं कहे से हम नहीं हमको इंडिया से लाया, वो कह रहा है नेपाल से कहो, हम नहीं कह रहे तो आओ को खूब पीटे, खूब जितना मर्जी है उतना से पीट रहे थे आपको, पैना से, जूता का बूट से, जो लाठी से, फैट से, ऐसे सब से मार रहा था, हम गिरा है, बोला है से नहीं बोलो तू बोलो से हमको नेपाल से पकड़ा है, हम कहे सर हमको मार दीजिए से मंजूर है, मज हमको इंडिया से अहाँ घिसेट के ले ली, बंदूक के कुना से मार के ले ली, तब हमरा यहाँ करी छी, मज हम झूठ न कहबा, चाहे जितना पीटे के पीट लूँ, मज हमर जान बचे चाहे न रहे, मज हम झूठ न कहब से हमरा नेपाल से पैसा मांगने पहले भी होता था जी, पहले भी पैसा मांगता था लोग, ओ सर पहले भी मांगते थे, दारू भी हिलाते थे तो अफसर भी, दारू भी हिलाते थे तो नेपाल के अफसर सब पैसा भी लेते हैं। कल क्या हुआ था इसको लेकर, कल भी कुछ पैसा मांग रहे थे क्या? कल भी थोड़ा मोड़ा पैसा मांगे, नहीं दिया है तो हमको भी पीटने लगा है, तब जा कर के वही ले गया तो वहाँ हमको जूता में सुता दिया, कहता है बोले ऐसे करो वैसे करो, हम कहे 200-300 पुलिस है उस बीच में, हम नहीं कहे से हम, तो इन लोगों ने कहाँ से उठाया, मतलब आप सीमा पर थे या फिर भारत के सीमा में घुस कर आपको उठाया? भारत के सीमा में अपना इंडिया में घुस के, तब बगीचा में है, वही बगीचा में से घींच के तब ले गए के, तब ले गए घींच काट के पीट पाट सकते हैं। नेपाल पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं रामनगर की भारतीय सीमा में घुस के इनको बंधक बनाया गया है और आप चोट के निशान आप इनके शरीर पर देखिए, ज़रा पीछे मुड़ जाइए आप देख सकते हैं रात भर किस तरीके से इनको जो है टॉर्चर किया गया है, चोट के निशान, जख्म के निशान साफ तौर पे इनके पीठ पे, इनके हाथ पे जो है वो देखे जा सकते हैं। और जैसा कि ये कह रहे हैं कि नेपाल पुलिस ने इनको ये कबूलने को कहा था कि ये मान लो कि तुम नेपाल से आ रहे हो और मानव तस्करी का तुम एक हिस्सा हो, तब तुम्हें ये मानने के लिए कहा, जब इन्होंने इनकार किया तब देख सकते हैं किस तरीके से, बुरी तरीके से इनकी जो है नेपाल पुलिस ने पिटाई की है। लेकिन जब भारत की तरफ से दबाव बना, डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए जो है बातचीत हुई, उसके बाद जाकर आज सुबह 4 बजे लगन राय को नेपाल पुलिस ने रिहा किया, फिर वापस वो अपने
घर पहुंच चुके हैं। तो ये घटना साफ तौर पे दिखलाता है किस तरीके से भारत और नेपाल के बीच रिश्ते जो हैं वो खराब होते जा रहे हैं। तनाव की स्थिति पहले से बनी हुई है पिछले कुछ दिनों से नक्शा विवाद को लेकर, और उसके बीच में ये घटना जहां एक युवक की मौत हो गई और फिर एक भारतीय को बंधक बना कर रखा नेपाल पुलिस ने 20 घंटे तक, ये शायद पहले कभी नहीं हुआ था। और ये साफ तौर पर दिखाता है कि भारत और नेपाल के रिश्ते जो हैं वो अब कितनी नाजुक स्थिति से गुजर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और केशव आनंद के साथ रोहित सिंह, गांव जानकी नगर, भारत नेपाल सीमा, सीतामढ़ी।